बट यही है कि अभी भी हम दुआ करते हैं, आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि दुआ करते रहिए कि इंशाल्लाह पूरी तरीके से जो है वो छोटू जो है वो ठीक हो जाए और हमारे पास जल्दी आए। दीपिका, अगर शोएब इब्राहिम ने अपने बेबी की इस टाइम की लेटेस्ट कंडीशन, अपनी बेबी की अपडेट कंडीशन के बारे में क्या क्या कहा आपको वो भी बताएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाए। बताते चले दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के बारे में, तो इनका ये बेबी ड्यू था जुलाई में, लेकिन खैर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, वाटर कंट्रेक्शन हुआ इनको एकदम से। 21 जून को ही रात 3 बजे हॉस्पिटल आना पड़ा और हॉस्पिटल की वीडियो भी जहाँ पर इन्होंने रात 3 बजे हॉस्पिटल आए, बेबी को डिलीवर किया। सारी वीडियो में इस टाइम पर दीपिका का क्या रिएक्शन था, जिस तरीके से वो रो रही है आपके सामने है, लेकिन इन सारी चीजों में सबसे अच्छी बात ये है कि मम्मी बनना कोई आसान काम नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा इस उम्र में आकर 38 साल की उम्र में आकर जहाँ पर मम्मी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं पर दीपिका कक्कर ने अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई। उनका ये भी कहना था कि मेरी मम्मी कह रही थी कि जिस तरीके से जिस प्रोसेस से तुम हुई हो प्री मेच्योर 8वें महीने में, उसी सेम प्रोसेस से तुम्हारा बेबी बॉय भी इस दुनिया में आया है। इनके दीपिका कक्कर भी प्री मेच्योर हुई थी अपने बेबी इनके 8वें मंथ में, जबकि इनका बेबी भी प्रीमेच्योर हुआ है 8वें मंथ में, लेकिन जिस तरीके से दीपिका कक्कर एक कामयाब और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस है इस टाइम की, हो सकता है उनका बेबी भी इनसे कहीं ज्यादा कामयाब हो। खैर व्यूअर्स, आपको दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम की बेबी के बारे में जानकर कैसा लगा, आपकी इनकी बेबी के लिए क्या प्रार्थना है इस टाइम पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।